तो दोस्तों, कार्वी स्टॉक ब्रोकर का केस याद है आपको? तब ये हुआ था कि कार्वी स्टॉक ब्रोकर को एक लोन चाहिए था, पैसे की कमी थी, कोलेटरल था नहीं, तो उसने जो भी उसके क्लाइंट्स थे उन सबके डीमैट अकाउंट्स में जो शेयर पड़े थे उन सबको एज अ कोलेटरल रख दिया बैंक के सामने, और बैंक ने भी चुपचाप कोलेटरल समझ के उसके खिलाफ लोन दे दिया। बाद में जब पता लगा, लोन चुकाने की बात आई और जब लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट्स में से शेयर्स निकालने शुरू किए तो पता लगा कि ये अनप्लेज हो नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्लेजिंग तो ऑलरेडी कार्वी ने कर रखी है। इस चक्कर में ब्रोकर बंद हुआ और बाद में तो बहुत मसले हुए, इस पर भी वीडियोस हमने काफ़ी किए थे। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इन चीज़ों से निजात पाने के लिए और ट्रेडिंग कम्युनिटी को क्लीन रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए सेबी अलग अलग कदम उठा चुका है और अब जाके फाइनल कील लगा रहा है इस पूरे प्रकरण में। क्या है ये सारा मामला, किस तरीके से सेबी सेफ्टी लेके आ रहा है स्टॉक मार्केट में, ताकि आपकी ट्रेडिंग, आपके स्टॉक मार्केट में जो भी डीमैट अकाउंट में शेयर पड़े हैं, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, सब कुछ सेफ रहेगा, किस तरीके से, आइए जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेबी इस हफ्ते एक लेके आया है नया फ्रेमवर्क, जिसमें कि ब्रोकर को, क्लीयरिंग हाउस को एक डिटेल देनी पड़ेगी, जिसमें कि सेग्रीगेशन होगा, डिसएग्रीगेशन भी होगा, मतलब एक तरीके से तोड़ के बताया जाएगा क्लाइंट लेवल पे कि उसका कितना कोलेटरल है, डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स पड़े हैं, और अगर क्लीयरेंस करना है तो पर डीमैट अकाउंट लेवल पे कौन सी क्लीयरेंसेस करनी है। मतलब अगर मान लीजिए कि एक स्टॉक ब्रोकर के पास 1,00,000 क्लाइंट हैं तो 1,00,000 का सेग्रीगेशन इन टर्म्स ऑफ कोलेटरल वैल्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ओपन पर करना पड़ेगा क्लीयरिंग हाउस को। और यही बात ख़त्म नहीं होती है, क्लीयरिंग हाउस को भी आगे चल के ये बात जो है एक्सचेंजेस को ओपन लेवल पे बतानी पड़ेगी, क्लियर लेवल पे बतानी पड़ेगी। तो एक तरह से 3 लेवल पे ट्रांसपेरेंसी आ गई है। क्लाइंट ने शेयर्स दिए, डीमैट अकाउंट में रखे, ब्रोकर को ये बात पता है, सारे क्लाइंट्स की पता है। अब ब्रोकर को ये इन्फॉर्मेशन क्लीयरिंग हाउस को देनी है, क्लीयरिंग हाउस आगे चल के ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को देंगे, तो अब जाके जिम्मेवारी एक्सचेंज पे आके बैठ जाएगी कि सारा का सारा डेटा इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक क्लाइंट लेवल, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगा। अब इसमें मल्टीपल फायदे हैं। पहला, एक तो क्लियरेंसेस हैं कि कौन से ब्रोकर कौन से डीमैट अकाउंट्स को और किस क्लाइंट्स के पैसे को हैंडल कर रहा है, कितने शेयर्स हैं उसमें, तो एक तरीके से एक अनप्लेजिंग और प्लेजिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं एक ब्रोकर हूँ और मुझे अपनी खुद के कोलेटरल पे प्लेजिंग करनी है, दैट इज़ अलाउड, तो मुझे यहाँ पे भी सेग्रीगेशन देनी पड़ेगी कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये क्लाइंट्स का है, इनके कोलेटरल्स हैं, और ये मेरा खुद का प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मुझे करना है, और ये मेरा कोलेटरल है जिसको मेरे को भी एक तरह से अलग प्रोप्राइटरी इन्वेस्टर समझा जाए। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन को भी बताना पड़ेगा कि कैश और नॉन कैश कोलेटरल कितना है, कौन सा है। एट द सेम टाइम ये रिपोर्टिंग जो है ईयरली नहीं है, मंथली भी नहीं है, वीकली भी नहीं है, डेली है, मतलब रोज़ ये रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एवरीडे लेवल। और ये जो सारा रूल है 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, उससे पहले इन सबको ये सारा का सारा सेटअप भी करना है, मेकिंग श्योर कि जो भी डिटेल्स हैं क्लाइंट्स की, आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स की एग्जैक्ट डिटेल्स आप एक्सचेंज तक पहुंचेंगी, कितना कोलेटरल आप उठा रहे हैं ये पहुंचेंगी, और अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए स्पेशली कितना मार्जिन दिया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके से एक्सचेंज के पास पहुंचेगी। और इतना ही नहीं, अभी और भी है इसमें, ये भी रहेगा कि जो भी क्लाइंट का जो भी कोलेटरल है वो किस सेगमेंट में है, इक्विटी में है, कमोडिटी में है, करेंसी में है, कौन से सेगमेंट में पैसा लगाया जा रहा है। इसके अलावा कौन से फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, मतलब इंट्राडे कर रहे हैं, डिलीवरी है, सो इन ऑल द सेंस एक तरीके से 360 डिग्री व्यू रहेगा एक ट्रेडर के इन्वेस्टमेंट्स का कि किस तरीके से वो कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है। और फाइनली अगर इसमें कोई गलत चीज़ पाई जाती है तो ब्रोकर को पकड़ा जाएगा, वहीं के वहीं क्लीयरिंग कॉरपोरेशन भी रिस्पॉन्सिबल है इस केस में, और एक्सचेंज की नज़र रखनी पड़ेगी। तो सेबी बहुत स्मार्टली इसमें गेम खेल रहा है कि इसमें एक्सचेंज को काम पे लगा दिया, और सारा का सारा जो एक तरीके से कंट्रोल था वो ब्रोकर से उठा के एक्सचेंज के पास दे दिया है, विच इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि ब्रोकर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। एक मतलब मान लीजिए कि 300 ब्रोकर हैं इंडिया में, उसमें से 280 अच्छे ब्रोकर हैं, लेकिन 20 ब्रोकर गलत काम करने के लिए ही ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आए हैं, तो वो 20 के चक्कर में सारी इंडस्ट्री खराब होती है, और 20 के पास आज की तारीख में वो कंट्रोल है प्लेजिंग अनप्लेजिंग का, और क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भी है उसके पास, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अब सारे के सारे 300 ब्रोकर्स को एक्सचेंज को देनी पड़ेगी, और एक्सचेंज पे तो डेफिनेटली विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि एक्सचेंज का एटलीस्ट इस केस में हिडन इंटरेस्ट नहीं होता। और फाइनली अगर ये
कोई ब्रोकर नहीं करता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन भी अपना काम नहीं करती है, तो उसके खिलाफ साथ के साथ केस लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, एटलीस्ट सेबी का कहना है। हालांकि सेबी के केसेस में हमने देखा है कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं होने के चांसेस हैं, सिंपली बिकॉज कि ये चीज़ें रियल टाइम पे चेक होंगी और अगर मान लीजिए डेली लेवल पे रिपोर्टिंग नहीं होती है तो उस केस में ब्रोकर के खिलाफ शिकायत भी होगी फ्रॉम द एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे ही एक्सचेंज शिकायत करेगा तो सेबी के पास कुछ है सामने शिकायत का एक तरीके से इम्पैक्ट लेने के लिए और कुछ एक्शन लेने के लिए भी। तो दोस्तों ये एक वेलकम मूव है सेबी की तरफ से, जिसमें एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है सेग्रीगेशन का क्लाइंट लेवल पे मॉनिटरिंग करने के लिए कि कोलेटरल का वैल्यू क्या है, चाहे वो खुद का हो चाहे वो ब्रोकर का। अब ये इन्फॉर्मेशन पहले अवेलेबल तो थी लेकिन ओपनली अवेलेबल नहीं थी लास्ट में। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो बंद नहीं किया, अभी तक देख रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ और बता दें कि ये इतना ट्रांसपेरेंट होगा, एटलीस्ट अभी जो कह रहे हैं, कि आप खुद भी 360 मतलब आप खुद भी जाके देख सकते हैं ऑनलाइन कि मेरी प्लेजिंग अनप्लेजिंग मेरे ब्रोकर ने डिक्लेयर की है या नहीं। तो ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ पता नहीं लगेगा, इंटरनली कुछ हो रहा है। वट एवर इज़ हैपनिंग यू विल गेट अ लॉग इन क्रेडेंशियल, जिसपे कि आप एक्सचेंज पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपके ब्रोकर ने इतने डीमैट अकाउंट के शेयर्स का कोलेटरल जो आपके नाम पे बोल रहा है ब्रोकर की किताबों में वो दिखाया है या नहीं। तो दोस्तों दिस इज़ हाउ द होल सॉर्ट ऑफ प्रोसेस इज, जिसमें आप शुरू से इन्वॉल्व हैं और लास्ट में भी आप ही खड़े हैं। अपनी डिक्लेरेशन जब आप ब्रोकर को करेंगे, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को करेगा, वो एक्सचेंज को करेगा और आप खुद भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये है नया मूव और नया रूल और होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, बाय।